अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद शफाक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इस पे बात की जाए, और इस पे रिसर्चेस भी बहुत सारी हो चुकी हैं और बहुत सारे लोग इस पे बातचीत करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेट लॉस के बारे में। व्हाट इज़ वेट लॉस, वेट लॉस क्या है, वेट लॉस कैसे करते हैं, हमें कितना वेट लॉस करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा हम वेट लॉस कितना करें, और ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। वेट लॉस के लिए हमारा जो मेन मोटिव है वो ये होना चाहिए कि हमारा वेट लॉस जब इस तरह हमारा वेट लॉस हो कि हम अंदर से डैमेज ना हो जाएं, हमारी हेल्थ जो है वो ख़राब ना हो जाए। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत जल्दी जल्दी की वेट लूज़ करने के चक्कर में अपनी हेल्थ बहुत ज़्यादा डैमेज कर बैठते हैं। अपने आप को स्मार्ट तो वो कर लेते हैं लेकिन अंदर से उतनी ज़्यादा वीकनेस हो जाती है उनको। इसीलिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हमें अपना वेट कितना लूज़ करना है, और उसके लिए हम एक स्केल इस्तेमाल करते हैं जिसके ज़रिए हम मेजर करते हैं कि हमें अपना एवरेज वेट कितना चाहिए, जिसको हम कहते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें हम अपनी हाइट, वेट एंड अपनी एज ऐड करके हर इंसान के हिसाब से उसकी जो एज या उसका वेट या उसका हाइट है उस हिसाब से हम उसका एवरेज वेट निकालते हैं। और इसी स्केल के हिसाब से जो हमारी अमाउंट आती है उतना हमारा एवरेज वेट होना चाहिए। ये था जी हमारा BMI, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये हमारा एक स्केल होता है जिसके ज़रिए हम निकालते हैं कि हर इंसान का एक एवरेज वेट कितना होना चाहिए, जो कि डिपेंड करता है उसके एज पे और उसके वेट के ऊपर और उसकी हाइट के ऊपर। तो चले अब हम ये देख लेते हैं। ये तो हमारा हो गया कि हमारा एवरेज वेट मैनेज हो गया कि हम इतना एवरेज वेट निकालेंगे हर पेशेंट के हिसाब से या हर इंसान के हिसाब से। तो अब हम ये देख लेते हैं कि हमें अपना वेट लॉस करने के लिए जो हमारा गाइडलाइंस हैं, जो नॉर्मली हम अपने इजीली अपनी रूटीन में अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारा वेट एक तो मेंटेन रहता है, दूसरा हमारी हेल्थ अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। तो हम देख लेते हैं कि हमें ऐसी क्या क्या रूटीन्स करनी चाहिए, हमें ऐसी क्या क्या आदतें अपनानी चाहिए जो कि हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो सके। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा वेट होता है, हमारा वज़न होता है, उस अगर तो वो हमारा वज़न बहुत ज़्यादा ओबेसिटी की तरफ जा रहा है, फैट्स हैं, मोटापे हैं बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से हमें कितने ज़्यादा नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है, हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। जैसा कि बहुत मेन बीमारी हाइपरटेंशन, जो ब्लड प्रेशर वगैरह हाई रहता है लोगों का, चर्बी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास थिकनिंग या नैरोइंग हो जाती है उनकी, मतलब कि खून सही से सप्लाई नहीं हो सकता, ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास डायबिटीज़, शुगर बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है हमारे यहाँ। तो अगर हमारा वेट बहुत ज़्यादा है, हम ओबेसिटी की साइड पे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तो हमें अपनी डाइट को हमेशा मैनेज करके, अपनी रूटीन को, लाइफस्टाइल को मैनेज करके ही चलना चाहिए। सबसे मेन चीज़ जो हमारे वेट लॉस में, हमारी लाइफस्टाइल में ऐड होनी चाहिए हमारे वेट लॉस के लिए या हमारे वेट मेंटेन के लिए, लॉस पे चल अलग चीज़ है, मेंटेनेंस के लिए, कि हमारा वेट जो हम मेंटेन रखें अपनी, अपने लाइफस्टाइल को क्या क्या अपनी रूटीन्स करें अपनी, अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें ऐड करें जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हों। तो आज हम इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे जी। सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए कि हमें अपनी जो वाटर इनटेक है वो बहुत ज़्यादा रखनी चाहिए। एटलीस्ट पूरे दिन में आप 8 से 10 ग्लास लाजमी पानी पिएं। जो इंसान इतना पानी पीता है वो अपने अंदर से, एक तो उसके गुर्दे बिल्कुल ठीक रहते हैं, दूसरा उसकी जो मोटापे है वो, उसका मोटापे का कभी शिकार नहीं होता है, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ होती है कि खाना खाने के बाद, फ़ौरन बाद आपको पानी नहीं पीना चाहिए, बल्कि उससे पहले पानी पीना चाहिए, जैसा कि ये सुन्नत में भी है। 8 से 10 ग्लास हमने पानी पीने लाजमी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो हमें खुशगवार रखते हैं, हमारी स्किन को हेल्दी रखते हैं, दूसरा हमारा वेट मेंटेन रखते हैं, इसके अलावा हमारा स्टमक, हमारा लिवर, हमारे खासतौर पे किडनीज बहुत अच्छे से काम कर सकती हैं। तो इसलिए हमारे लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना होता है। नेक्स्ट जो हमने अपनी रूटीन में, अपने लाइफस्टाइल में जो चीज़ ऐड करनी है वो है ब्रेकफास्ट। नाश्ता जो है वो लाजमन करना है, क्योंकि जो नाश्ता नहीं करते हैं वो बहुत ज़्यादा मोटापे की तरफ चले जाते हैं, और सबसे मेन चीज़ अंदर से बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, उनकी बॉडी में वो मसल्स में वो ताकत नहीं रहती है, वीकनेस आ जाती है, जो एक अच्छे इंसान, एक हेल्दी इंसान में होनी चाहिए।
अब एक सवाल होता है कि नाश्ते में हमें क्या लेना चाहिए, हम क्या खा सकते हैं नाश्ते में जो हमारे लिए हेल्दी और अच्छा साबित हो। तो सबसे जो मेन एक है जो नाश्ते के लिए अगर आप देखना चाहें तो जो सबसे मेन और सबसे हेल्दी और प्रोटीन वाला जो नाश्ता है उसमें आपको एग जो है वो अंडा लाजमी ऐड करना चाहिए। जो लोग कोलेस्ट्रोल या बीपी के इश्यूज में प्रॉब्लम में हैं, हाई बीपी के, वो बेशक अंडे की जो जर्दी जो येलोइश पार्ट होता है वो बेशक ना खाएं, क्योंकि वो कोलेस्ट्रोल फैट्स होते हैं ठीक है, चर्बी होती है वो। लेकिन आप जो है जो उसका वाइटिश पार्ट है वो लाजमन खाएं, वो बिल्कुल भी नुकसानदेह साबित नहीं होता। वो प्रोटीन रिच होता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती हैं और आपके मसल्स के लिए आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। और ख़ास तौर पे लेडीज़ के लिए अंडा हफ्ते में 3 से 4 बार, एक पूरे हफ्ते में अंडा उसे उन्हें लाजमी लेना चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं जैसे कि सैलेड, बंद गोभी वगैरह, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती हैं। एक तो ये फाइबर्स होते हैं, वो लोग जिनको कब्ज़ का मसला रहता है तो वो इश्यूज भी इसमें रिजॉल्व हो जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो सब्जियां फल बनाए हैं जो कुछ, उसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हम क्या करते हैं, हम मेडिसिन की तरफ ज़्यादा जाते हैं, हम डाइट से मैनेज नहीं करते चीज़ें। हमें चाहिए कि हम अपनी डाइट में ही ऐसी चीज़ें ऐड कर लें, अपनी रूटीन में, बल्कि अपने लाइफस्टाइल में ऐसी चीज़ें ऐड कर लें ताकि आप हमेशा हेल्दी रहें। इसके अलावा जो सबसे एक मेन पॉइंट होता है वो होता है, अब हमने खाना वगैरह खा लिया, ठीक है, अब हमारे पास रह गया खाने के अलावा, हम क्या कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बिजी रूटीन है, टाइम नहीं मिलता या कुछ नहीं है, तो सिंपल आप क्या करें, आप मॉर्निंग में जब उठते हैं या रात को सोने से पहले आप वॉक करें, एटलीस्ट आधा घंटा या एक घंटा वॉक लाजमी करें। पूरे रूटीन में, अपने पूरे 24 घंटे लाइफस्टाइल में ये चीज़ ऐड कर लें कि आपने आधा घंटा या एक घंटा लाजमन वॉक करनी। ये थे जी हमारे कुछ गाइडलाइंस जो कि हम वेट लूज़ करने के लिए या वेट को मेंटेन करने के लिए या अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए अपने लाइफस्टाइल में, अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं, जिसका हमें कोई भी नुकसान नहीं है, बल्कि उल्टा हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। बस ये सिर्फ हमारे अपने अंदर की बात होती है कि हमें लगता है कि हम कर नहीं सकते, लेकिन हम सब कुछ कर सकते हैं। हम फिर मेडिसिन देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेडिसिन की तरफ चले जाते हैं, जो कहते हैं कि हम मेडिसिन से वेट लॉस करें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने लाइफस्टाइल में, अपनी डाइट में ही ऐसी, अपने रूटीन में ऐसी चीज़ें ऐड कर लें जैसा कि बहुत ज़्यादा पानी पीना, अच्छे से नाश्ता करना, और इसके अलावा जो एक और चीज़ है, ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें इस्तेमाल ना करें। सबसे ज़्यादा जो मेन होता है वो जो हम घी वगैरह यूज़ करते हैं, चिकनाई वाला करते हैं, हमें चाहिए कि हम ऑयल यूज़ करें। एक तो वो हमारे अंदर जाके इतना ज़्यादा जमता नहीं है, और सबसे अच्छा ऑयल है वो है ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल या कोकोनट ऑयल, तो आप लाजमन वही अपने रूटीन में ऐड करें। इससे क्या होगा कि आप काफ़ी हद तक, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आज हमने वेट लॉस पे वीडियो बनाई है, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अगर आपको कोई सजेशन देना है या आप कुछ भी बोलना चाहते हैं, कुछ भी बताना चाहते हैं वीडियोज़ के रिलेटेड, टॉपिक्स के रिलेटेड, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।